हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे तेल और उसमें साथ में डालेंगे टॉपिंग्स। टॉपिंग्स में मैंने लिया प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। प्याज टमाटर मैं पहले डालूंगी, उसे थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च और साथ ही में डाल दूंगी नमक। एक चम्मच मैंने नमक डाला है। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, ताकि वो कच्ची कच्ची सब्जियाँ जो हमारे टेस्ट आता है वो रहे। और उसके साथ ही हमने मैगी मसाला डाल दिया है। उसके साथ उसे 5 मिनट पकाने के बाद हमने तवे पर पिज़्ज़ा बेस को सेक लिया था सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उसे निकाल के फिर हमने उसके ऊपर टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस डाली। आप जो भी सॉसेज डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो मुझे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अवेलेबल नहीं हुए तो इसलिए मैंने ये वाली डाली, और थोड़ी सी ज़्यादा लगी तो मैं इसलिए दूसरे पे पिज़्ज़ा बेस पे भी स्प्रेड कर दी अच्छे से। और इसी के साथ हम पनीर के पीसेज लेंगे, उसके ऊपर हम मैगी मसाला स्प्रेड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में जो हमारी टॉपिंग रेडी हो गई थी उसे हम पिज़्ज़े पे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और बाद में डाल देंगे पनीर के पीसेस और उसके ऊपर से हम डालेंगे चीज़। तो चीज़ मैं लेके आई हूँ मदर डेरी की चीज़ ब्लॉक, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो इसे हम अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर देंगे, अच्छी सी चीज़ की लेयर लगा देंगे एक। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली और इसे फॉइल को लिया और इसे तवे के ऊपर रखा। तवे पर डायरेक्ट नहीं रखा ताकि वो नीचे से जल ना जाए, बट फर्स्ट ट्रायल में जल गया था। सेकेंड ट्रायल में जो मैंने पिज़्ज़ा दूसरा बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आया था। सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। तो ये वाकई में टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने वीरजी को भी टेस्ट करवाया था, वीरजी को भी काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज अपने समय देने के लिए, और इंस्टाग्राम आईडीज़ में नीचे मेंशन कर दूंगी। फॉइल लगा के तवे पे पिज़्ज़ा बनाने का हैक मैंने यूट्यूब पे देखा था, अगर आपने भी देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा।